हम सभी ने बचपन में अपने आसपास ढेर सारी रंग बिरंगी तितलियों को जरूर देखा होगा, लेकिन वक्त के साथ खड़े होते कंक्रीट के शहरों में ये तितलियां अब दिखाई नहीं देती। इन तितलियों का होना हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये शायद ही किसी को पता होगा। जैव विविधता का हिस्सा ये तितलियां अगर कहीं पाई जाती हैं, तो वहां का इकोसिस्टम बेहतर माना जाता है। ऐसे में इनकी खासियत और महत्व को लेकर रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पाए जाने वाली 100 से ज्यादा प्रजातियों की तितलियों की हर साल बाघों की तरह ही गणना की जाती है। इस साल भी इन तितलियों की गणना तितली त्यार फाउंडेशन द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की जाएगी। तितली महज एक आकर्षक कीट नहीं है, तितली की खासियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में पूरे विश्व और भारत में तितलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं और इनका क्या योगदान है, आप भी जानिए। पूरे विश्व में कीट पतंगों की करीब 1.5 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया में करीब 15,000 तितलियों की प्रजातियां हैं। भारत में भी करीब 1500 तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। रामनगर कॉर्बेट पार्क में तितलियों की लगभग 150 प्रजातियां मौजूद हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बटरफ्लाई पार्क का निर्माण अभी जारी है, जहां इन तितलियों का संरक्षण होगा। तितलियां परागण क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। तितलियों की तादाद अच्छे इकोसिस्टम का एक इंडिकेटर माना जाता है। पूरे विश्व में कई प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं। इसमें इमिग्रेंट, मॉर्मून, ब्लैक पेंसिल, कॉमन टाइगर, ग्रास ज्वेल, पी ब्लू, कॉमन सेलर, काफमैन जैम, बैरानेट नाम शामिल हैं। तितली प्रेमियों का कहना है कि मानसून में बड़ी संख्या में तितलियों का आना खेती के लिए भी अच्छा संकेत होता है, क्योंकि तितलियां परागण की क्रिया से जुड़ी होती हैं। मिट्टी से खनिज और लवण चूसने वाली ये तितलियां हरे भरे बागों और जंगलों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं। ये गत वर्ष जब कोविड के बाद रिस्ट्रिक्शन हटी थी तो एक तितली तैयार करके कार्यक्रम किया गया था, जिसमें हम लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पर्यटक हैं उनको जो माइक्रोफोना है जो खासतौर से तितलियां सभी को आकर्षित करती हैं, तो उसके प्रति हमने जागरूकता और संरक्षण के उद्देश्य से कार्यक्रम किया था विभिन्न संगठनों के सहयोग से, तो तितली तैयार उसका नाम दिया गया था। और पिछले वर्ष उसके उत्साह को देखते हुए लोगों के और हमने जब उस कार्यक्रम को किया तो हमें लगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इस वर्ष भी 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हम लोग इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो स्थानीय स्तर पर जहां संरक्षण होगा तितलियों का, वहीं इससे नए रोजगार भी पैदा होंगे। और बटरफ्लाई जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट क्रिएचर है और हमारे जो इकोसिस्टम को है उसके काफ़ी चीज़ों को, पोलन सिस्टम को, काफ़ी चीज़ों को आगे जाके बढ़ाती है, तो उन सब पे एक कार्यक्रम है। बटरफ्लाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अभी एक युवा पीढ़ी जो है वो इस चीज़ को समझ रही है कि बटरफ्लाई के जो महत्व हैं उन सबको समझा जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन जो है उस सबको समझे और उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सके, ये इसका मेन उद्देश्य है। यही वजह है कि जिम कॉर्बेट पार्क के अधिकारी तितलियों की अच्छी तादाद को यहाँ की समृद्ध जैव विविधता का ही एक नमूना मानते हैं और इन्हें पार्क और वनों के लिए शुभ माना जाता है। वहीं कॉर्बेट में तितली पार्क का निर्माण तितलियों की बढ़ती संख्या के लिए अच्छा संकेत है। ये वेबिनार बेसिकली जो है ना ये बटरफ्लाई फेस्टिवल एक तरह से हो रहा है। बटरफ्लाई ये पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल क्यारी में हुआ था, इस साल अभी टेढ़ा में हो रहा है और कल्पतरु के साथ भी KBD जो है हमारा कोसी बायोडायवर्सिटी पार्क वहाँ हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि नेचर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अटेंशन लोगों की नहीं जाती है। अब जैसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है तो टाइगर के ऊपर सब कुछ मंडरा रहा है, तो थोड़ा सा लोगों की अटेंशन को और बढ़ाने के लिए कि नेचर के और भी कंपोनेंट्स हैं, और बटरफ्लाई का तो अपना एक उसकी लाइफ साइकिल, उसका पूरा ग्रोथ, वो अपने आप में एक बहुत अजूबा है, उसको लोगों को जानने की जरूरत है उसको। रामनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला एंट्री गेट पर बायोडायवर्सिटी कम बटरफ्लाई पार्क
एक हेक्टेयर की भूमि में डेवलप किया जा रहा है। इसमें बटरफ्लाई से संबंधित जितनी भी नेक्टर और होस्ट प्रजातियां हैं, उनका प्लांटेशन का कार्य गतिमान है। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी बटरफ्लाई की प्रजातियां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हैं, वो लैंडस्केप में सभी एक जगह देखी जा सकें। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढेला रेंज है उनका, उसका जो एंट्री पॉइंट है ढेला जोन का, वहाँ पर एक हेक्टेयर में एक बायोडाइवर्सिटी कम बटरफ्लाई पार्क डेवलप किया जा रहा है। इसमें बटरफ्लाई से संबंधित जितने भी नेक्टर और होस्ट स्पीसीज हैं उनका प्लांटेशन की कार्रवाई गतिमान है, और प्रयास ये है कि जो भी बटरफ्लाई की स्पीसीज हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसके लैंडस्केप में, वो सभी एक जगह देखी जा सकें, और इससे जो टूरिस्ट होंगे उनको भी एक अवेयरनेस मिलेगा बटरफ्लाइज को लेकर, और इनका प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा सकेगा। ये कार्य अभी प्रगति पर है और जल्दी इस ये कार्य जो है पूर्ण होने की संभावना है। हमारे आसपास से विलुप्त होती इन तितलियों की संख्या खराब और प्रदूषित इकोसिस्टम के कारण है। ऐसे में हमें इन तितलियों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है, जिससे इनके संरक्षण के लिए कोई कारगर कदम उठाया जा सके। नहीं तो ये तितलियां आने वाले कुछ सालों में केवल टीवी, तस्वीरों और फोन पर ही देखी जा सकेंगी। ईजीवी भारत के लिए रामनगर से कैलाश व्याल की रिपोर्ट।